बहुत गंदे नूडल्स हैं, बहुत गंदे। ट्रैफिक लाइट बन जाएगी। हटके नूडल्स हैं। हाँ, लुकी चुपी हो चुकी। खब खब खब, चिपक जा। खिले नूडल्स तो उड़ल। Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So आज का व्लॉग है वो है trying every noodles. Come on, let's go. सो गाइज, आज के व्लॉग में मैं ट्राई करने वाली हूँ सस्ते से लेके महंगे तक, इंडियन से लेके इम्पोर्टेड तक के सारे तरीके के नूडल्स। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पे सज चुका है पूरा का पूरा सेटअप और मेरी टेबल पे आ चुके बहुत सारे नूडल्स। सो गाइज, सबसे पहले जैसे ही नूडल्स की बात होती है ना, दिमाग में क्या आता है? जुप, मैगी मसाला नूडल्स। गाइज, ये वाले ना तो मैंने बहुत बार ट्राई करे, बट मसाला नूडल्स के अंदर सबसे पहले मैं दूसरी कंपनीज के मसाला नूडल्स ट्राई करूंगी। तो सबसे पहला नंबर लगा है यहाँ पे सनफीस्ट के यिप्पी नूडल्स, जो मुझे पड़े पूरे के पूरे 10 रुपए के। सिस्टम सारे नूडल्स को पकाने का देखो एक ही है। यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई में, गाइस ये देखिए, भाप निकल आई। गाइस, गर्मा गर्म पानी ऑलरेडी तैयार कर दिया है और अब सिंपल है, बस नूडल का पैकेट काटिए, पानी में डालिए और उबालिए और आपके नूडल्स तैयार। हाय, ये ऐसे ऐसे आधा हाफ गोला, इसका पूरा गोला लगता है मुझे। गाइस, टूट गए थे, आधा ही निकल के आया है। तो अभी इसको करते हैं ऑन और इसको डालते हैं। और इसके साथ गाइस ये ऐसा मसाला सैशे भी आया है। यिप्पी। सो गाइस, मेरे यिप्पी नूडल्स रेडी हो गए और देखिए कितने बढ़िया, बिल्कुल भी ये नूडल ना चिपके नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे यिप्पी के नूडल्स की। और इसके अंदर मुझे ऐसे गार्लिक और छोटी छोटी वेजिटेबल्स पड़ी हुई भी दिख रही, जिसमें कैरेट बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। ये इंडियन मैजिक मसाला जैसा बिल्कुल भी नहीं है नूडल्स। पहली बात, ये मैदे के बने हुए हैं, प्लस इसके अंदर ना मुझे कुछ वो गार्लिक वाला फ्लेवर आ रहा है, हल्की सी चिली फ्लेवर आ रही है। यिप्पी नूडल्स खा के ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया गाइज। सो गाइज, दूसरे नूडल ट्राई करने से पहले ये यिप्पी के नूडल्स को ना मैं डालने वाली हूँ, ये देखो इतने बड़े बोल के अंदर। और इस वीडियो को ना आप एंड तक देखना गाइज, क्योंकि यहाँ पे रेडी हो गए महा नूडल बोल एंड आई एम एक्साइटेड कि मुझे देखना है कि वो किस कलर के बनते हैं और कैसा टेस्ट आता है, वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए यिप्पी आप जाइए अंदर, अब ट्राई करेंगे गाइज। ये है हमारे पास निशान के टॉप रेमन नूडल्स गाइस, डबल प्राइस के हैं। यिप्पी से ये पड़े मुझे पूरे के पूरे 20 रुपीज़ के। इसके अंदर हाय मटर और गाजर भी इन्होंने बना के रखी है। बोलते हैं इसके अंदर 5 तरीके की वेजिटेबल्स है। ये मैदे के नहीं, ये आटे के नूडल्स, ये पूरा साबुत निकल के है। मसाला ना हरे रंग का निकला है, पिछला मसाला ऑरेंज रंग का था, ये गाइस हरा रंग का है। अगला मसाला अगर पीला निकल आया ना तो पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट बन जाएगी। सो गाइस, ये मेरे टॉप रेमन तैयार हो गए, जो बिल्कुल हरे हरे कलर के तैयार हुए एकदम मेरी ड्रेस से मैचिंग। सो देखे कितने बढ़िया नूडल्स लग रहे हैं। उससे फ्रेग्रेंस भी बहुत बहुत अच्छी आ रही है। एंड क्योंकि ये मुझे आटे के नूडल बताए गए हैं, तो देखती हूँ कि आटे वाला टेक्सचर इसके अंदर है या नहीं है। क्या गजब का टेस्ट है गाइस इसका। इसमें ना भर भर के इंडियन मसाले वाला टेस्ट आ रहा है। इसकी जो सब्जियां है ना, जो 5 तरीके की सब्जी है, वो इन नूडल्स में एक्चुअली पता नहीं चलती है कि वो कहाँ लुकी छुपी हो चुकी है, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। बट टेस्ट वाइज अगर मैं आपको बोलूँ, सो ये बहुत ही अमेजिंग है। और इसके अंदर वो जो आटे की चुईनेस आती है ना, वो भी पूरी की पूरी आ रही है। तो सो गाइज, अब बारी है नेपाली नूडल्स ट्राई करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे मेरे पास है गाइज ये वाई रेडी टू ईट नूडल्स। एंड गाइज, ये पड़े मुझे पूरे के पूरे 15 रुपए के। और इसके अंदर भी सब्जियाँ मटर गाजर वाजर बहुत बनाई है। ये वाई नूडल्स को ना आप 3 तरीके से खा सकते हैं। देखो, बोलते हैं कि इस नूडल को ना खोलते कब कब कप ऐसे नमकीन की तरह, भेलपूड़ी की तरह आप सूखा ही खा सकते हैं, या फिर इसको आप सूपी नूडल्स बना सकते हैं, या फिर जो तीसरा तरीका है वो है नॉर्मल ऑथेंटिक नूडल की तरह इसको बना सकते। वैसे तो बोलते थे 1 तीर 2 निशाने, अभी तो 1 नूडल और 3 ज़बाने। आए, 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 क्या जुमला बनाया है मैंने, मज़ा आ गया। अरे मैं तो नूडल्स ही गिर गया गाइस। ये ऑरेंजिश है, रेडिश है, वाइटिश है। अरे ये तो बड़े आराम से टूट गया, वैसे कच्चे। अरे तभी बोले कच्चे खा के देखो, एक क्यों कच्चे कैसे है। कच्चे तो अच्छे लग रहे हैं। इसके अंदर 2 तरीके के मसाले, अनियन फ्लेवर्ड ऑयल टेस्ट इनहेंसर, तो मतलब एक पैकेट 15 रुपए के अंदर इतने सारे मसाले वसाले तेल वेल मिलता है, ये तो देखते ही मेरा दिल खुश हो गया गाइस।
भाई नूडल्स मेरे रेडी हो चुके हैं और देखिए देखिए ये नूडल्स कितने अलग अलग से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी चिपके चिपके नूडल्स ये नहीं है गाइस। एक चीज मुझे तो इसमें कम ही लगी ना, वो ये कि इसमें एक भी वेजिटेबल इन्होंने नहीं डाली। ये नूडल्स ना बिल्कुल हटके 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 नूडल्स हैं। ये नूडल को मैंने उबाल के नहीं बनाया, ऐसा लग रहा है नूडल को ना मैंने डीप फ्राई करके बनाया। सो गाइस अब बारी है मैगी 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 ट्राई करने की, जो मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 14 रुपए की। एंड गाइस ये है 2 मिनट नूडल्स। मैगी में जो एक झूठ मुझे लगता है ना वो यही लगता है कि 2 मिनट में मैगी तो पक नहीं सकती। भाई अगर आपकी 2 मिनट में मैगी पक जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको खाने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि जितने अभी तक मैंने मसाला नूडल्स खाए हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है गाइस। मैगी मैगी मैगी। सो गाइस मैगी नूडल्स जो है तैयार हो गए और देखिए देखिए येलो येलो डर्टी वेलो की तरह ये दिख रहे हैं। एक देखिए ये नूडल्स ये तो गाइस ये तो चिपके चिपके नूडल्स निकल के आ गए। बस मैगी की मुझे यही चीज पसंद नहीं कि इनके नूडल्स ना चिपक 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 जाते हैं गाइस। नूडल्स चिपके जरूर थे बट मैगी के जो मसाले की बात है ना, आय हाय 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 हाय, वो मसाला तो एकदम एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। मुझे बहुत पसंद है मैगी मसाला। अगर सारे नूडल्स को मैं कंपेयर करूँ ना तो मुझे मैगी मसाला पसंद है और टॉप रेमेन का जो मसाला था वो 19 जरूर था बट उसके जो नूडल्स थे ना एकदम खिले 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 नूडल्स थे तो बहुत ही अमेजिंग था। सो गाइस अब बारी है कुछ हटके नूडल्स ट्राई करने की। ये है गाइस सफोला का नूडल्स। गाइस ना तो ये नूडल है ना शूडल है, ये है पूरा का पूरा उडल उडल उडल। एंड गाइस ये नूडल के शेप के नहीं है, ये है ऐसे रिंग शेप के नूडल्स। ये ना तो मैदे के बने हैं ना आटे के बने, ये गाइस बने पूरे के पूरे ओट्स के। ये पड़े मुझे पूरे के पूरे 20 रुपीज के। सच्ची तो रिंग जैसे है। मैंने मसाला खोला है ना, इसका मसाला भी बड़ा अतरंगी कलर का है, मतलब जो अमचूर वो जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है ना एक्चुअली वैसा वैसा लग रहा है। इसके अंदर छोटे 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 फ्राइड गार्लिक्स भी पड़े हुए। सो गाइज माई ऊडल्स आर रेडी। और ये देखिए देखिए यहाँ कटोरी में हमने सजा वजा दिए हैं बट गाइज ये ऊडल्स ना बहुत ही चिपके चिपके से निकले हो। अजीब से ऊडल्स निकले हैं। ओट्स के तो जरूर बने हैं बट इसमें ओट्स वाला जो एक बाइट होता है जब आप चबाते हो तो आपको पता चलता है, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। नूडल्स वैसे अनहेल्दी होते तो जब कभी भी आप नूडल्स खाओ ना ये सोच के ही खाना कि आपकी बॉडी के लिए ना अच्छे बिल्कुल नहीं है। अब गाइस अपने इंडिया से चलते हैं बाहर और अपने कदम बढ़ाते हैं जरा विदेश की तरफ। तो विदेशी नूडल्स भी तो देखिए कैसे होते हैं गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास है गाइस ये कोका के स्पाइसी सिंगापुर के नूडल्स। तो ये पड़े गाइस मुझे पूरे के पूरे 60 रुपीज के। ओ ये बढ़िया एकदम साबुत जो है स्क्वायर निकल के आया है नूडल्स का, वाह क्या बात है। इसके अंदर गाइस सीजनिंग ऑयल है और प्लस सीजनिंग पाउडर दोनों दिए हैं। कोका जो है सिंगापुर के नूडल्स तैयार हो गए हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए कितने गजब के ये नूडल का टेक्सचर ही देख रहे हो, एकदम ये रेड रेड और एकदम सिल्की स्मूथ नूडल्स है। देखो कैसे हुप स्लिप हो जाते। गाइस ये नूडल ना मैं सही बताऊं बहुत ही अमेजिंग है। इन नूडल्स का जो टेक्सचर है ना दैट इज माइंड ब्लोइंग। प्लस इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी इंडियनाइज नहीं है, बहुत ही डोमिनेंट है। इसके अंदर जो चिली ऑयल है बहुत अमेजिंग है। स्पाइसी जरूर है, अगर आप स्पाइस हैंडल कर सकते हैं ना तो दीज नूडल्स आर द बेस्ट नूडल्स। सो गाइस सिंगापुर से बाहर निकलते हैं और अपने प्लेन को थोड़ा सा घुमाते हैं और सीधे पहुंचते कहां, जापान। सो गाइस मैं ट्राई करने वाली हूं ये जापान के चुई चुई नूडल्स है, सूप था रामेन नूडल्स। ओके गाइस ये रामेन नूडल्स हैं जो बनते हैं वीट के 130 रुपए के। सो मतलब अब तक के गाइस ये सबसे 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 महंगे नूडल्स हैं जो मैं ट्राई करने वाली हूं। दो तरीके की सीजनिंग यहां पे निकल के आई है, एक रामेन सूप और ये है सैमयंग फ्लेक और ये ओह माय गॉड ये तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। देखो सो गाइस मेरे
जापानीज रैमेन नूडल्स जो हैं तैयार हो गए और देखिए देखिए कितने गजब के कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये रैमेन नूडल्स है ना, क्योंकि वीट के बने तो इनका टेक्सचर देखो, एक एक नूडल ऐसे अलग 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 आपको गिरता 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 दिखेगा। दीज आर सो गुड, मतलब एक एक नूडल को आप ऐसे बाइट करते हो ना आपको पता चल जाता है इसके अंदर जापानीज टोगाराशी स्पाइस का जो फ्रेग्रेंस और जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल आ रहा है, उसके अंदर जो ब्लैक सेसमे पड़े होते हैं ना वो उसका स्वाद भी आ रहा है। ये रैमेन है, जापानीज है, तो इसको ना ये नूडल ना सबको देखो अच्छे नहीं लग सकते, इसका टेस्ट आपको अडेप्ट कराना पड़ेगा। जैसे कि हम जापानीज सुशी खाते हैं सबको अच्छी नहीं लगती ना, बट जिनको अच्छी लगती है उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे तो जापान का खाना ना जापानीज फूड बहुत बहुत पसंद है। सो गाइस अब बारी है इस वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए जो कि बहुत ही एक्साइटिंग सेक्शन है, वो है स्पाइसी नूडल चैलेंज। से पहले उनमें से मैं ट्राई करूंगी गाइस ये निसान का हॉट एंड स्पाइसी नूडल जो मुझे पड़े हैं पूरे के पूरे गाइस 50 रुपए के, एकदम साबुत बिना टूटे फूटे बिना झड़े मुड़े। सो गाइस अब बारी है ये सीजनिंग ऑयल और सीजनिंग मिक्स डालने की। सो गाइस मेरे निसान की हॉट एंड स्पाइसी नूडल जो है रेडी हो गए और देखिए कैसे चटक लाल और ऑरेंज से दिख रहे हैं, और नूडल्स भी ना ऐसे खिले खिले बढ़िया तो दिख रहे हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये नूडल्स का कलर देख के ना मुझे पता नहीं क्यों कुरकुरे याद आ कुरकुरे का जो कलर होता है ना वो एग्जैक्टली नूडल्स का कलर है। देखो मैं खाया तो स्पाइसी लग नहीं रहे मुझे, बट एक्चुअली जब खाते चले जाओगे ना तो आफ्टर टेस्ट है ना वो आपकी टंग में ना ऐसे बैठ जाएगा। थोड़ा सा मैंने च्यू कर रहा ना नूडल्स को तो स्पाइसीनेस जो है ना वो अटक 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 सी गई है, बट ऐसी नहीं है कि मैं हैंडल ना कर पाऊंगा। सो गाइस अब है स्पाइसी नूडल चैलेंज जो बन गया है ट्राइंग एवरी नूडल करते करते उसमें ट्राई करने की नंबर 2 नूडल्स की बारी। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास है नेपाल के वाई डायनामाइट नूडल्स, डायनामाइट तो सुनते से ब्रम 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 पटाखे फूटने की आवाजें आती हैं। ये नूडल्स गाइस मुझे पड़े पूरे के पूरे 50 रुपए की। ये देखिए पहले तो इनकी गार्निशिंग जिसके अंदर मुझे ये मटर शटर दिख गई है, ये है इनका सीजनिंग पाउडर और ये है एक्स्ट्रा स्पाइसी सीजनिंग पेस्ट। हाँ ये नूडल्स तो बड़े हैं अलग से दिख रहे गाइस मुझे, इतने जरा से तो निकले हैं। अब आ गए हैं मेरे वाई डायनामाइट नूडल्स जो कि बहुत ही चटक लाल दिख रहे हैं। देखो देखो एंड गाइस इन नूडल्स को मैंने 10-15 मिनट पकाया है पर फिर भी ये खड़े खड़े जैसे लग रहे हैं, ये लग नहीं रहा मुझे पके वके हैं कि चलो भी खा के देखते हैं पके भी हैं कि नहीं। इसमें तो अजीब सी स्मेल आ रही है, खाने से पहले मेरा मन खट्टा खट्टा हो गया। बहुत गंदे नूडल्स हैं, बहुत गंदे गाइस, इतने गंदे नूडल्स तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी खाए हैं। सो गाइस अब बारी है आज के वीडियो के सबसे 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 स्पाइसी नूडल्स खाने की बारी जो कि है ये कोरियन सुपर स्पाइसी रेड शिन नूडल्स। एंड ये देखते ही ना लग रहा है मुझे कि बहुत 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 स्पाइसी निकलेंगे। ये पड़े मुझे पूरे के पूरे 110 रुपए के, दो दो सैशे निकल के आए हैं इसके अंदर। ये है गाइस सुपर स्पाइसी फ्लेक्स जो कि मुझे लगता है चिली फ्लेक्स होंगे, और ये है सूप बेस जो इनका वो रेड कलर का पाउडर आता है ना वो। ये जितने बाहर के कोरिया वोरिया के जितने भी नूडल्स हैं ना ये सब ऐसे येलो येलो कलर के निकल के आते हैं गाइस, मैंने देखा है। गाइज मेरे कोरियन नूडल जो है रेडी हो गए और देखो देखो ये बन के आए हो, इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी तो ये देखो कैसे अलग 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 नूडल्स हैं इसके अंदर। बाप रे बाप गाइज ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मतलब 2-3 बाइट जैसे ही लोगे ना इसका स्पाइस का जो है डायनामाइट बड़ा 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 फट जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। बाबा रे बाबा ये ज़्यादा खा ली ना तो ये चक्कर खा के गिर मत जाना। वैसे तो मैं आपको बताऊँ ये तीनों ही स्पाइसी नूडल्स ना एकदम बेकार थे। अगर आप बोलोगे
एक चुन चुन के चुन चुन के एक नूडल तो आपको चुनना ही पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस निशान का जो नूडल्स है ना वो फिर भी थोड़ा सा बेटर था। सो गाइस अब बारी है आज के सबसे हेल्दी और सबसे महंगे नूडल्स दिखाने की जो कि है प्लस फार्म के मिलेट नूडल्स। सो गाइस ये ना तो बड़े हैं मैदे के, ना ही हैं ये आटे के, ना ही हैं ये ओट्स के, ना ही हैं राइस के, ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स के। एंड गाइस जो आमतौर पर नूडल्स को फ्राई करके बनाया जाता है ना, ये नूडल्स फ्राइड भी नहीं है और लिखा है ना जीरो जंक प्रॉमिस। क्या बात है, ये तो हेल्दी नूडल्स निकल के आएंगे। अरे ये तो बड़े अलग टाइप के नूडल्स निकल के आए गाइस, इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। सो गाइस मेरे स्लर्प के नूडल्स जो है रेडी हो गए और देखिए देखिए ये नूडल्स चिपक चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये नूडल्स इतने पतले हैं कि नूडल्स का मुझे, मैं सच बताऊं आपको, सिवैया ज़्यादा लग रही है। इसके जो कलर भी ना वो देख के भी मैं कुछ खासी खुश नहीं हुई हूँ। गाइस ये नूडल्स इतने बेकार हैं कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। नूडल्स बने तो मिलेट्स के हैं बट मैं सच बताऊँ ऐसे लग रहा है जो अपनी राजस्थानी बाटियाँ होती है ना, एकदम पत्थर के टीले के जैसी एकदम वैसे नूडल्स हैं। इतना ज़्यादा चुई टेक्स्चर है इनका कि सीरियसली आई एम नॉट लाइकिंग इट। इनका जो टेस्ट मेकर है ना वो इतना बुरा है कि मैं जितनी भी बार कह लूँ ना उससे भी ज़्यादा बुरा है। एक्चुअली तो सबसे महंगे नूडल्स निकले और सबसे 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 बेकार निकले। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट माय महाबोल, जो एकदम केक की तरह ये देखो बन चुका है। महाबोल इतना बड़ा महाबोल बन चुका है कि ये ना मेरे लिए, मेरी हाउस हेल्प के लिए और भैया गार्डनर भैया जी ना, ये हम सबका एक्चुअली डिनर है। मेरी नज़र में अगर मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूँ ना तो वो कोका जो सिंगापुर के नूडल्स थे वो और मेरी फेवरेट मैगी नूडल्स वर्दी विनर। तो आज का वीडियो होता है गाइस यहीं पे खत्म। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। अब मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। बाय।